नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, करीब एक महीने पहले जो दुनिया के सबसे लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, जैसे इंटेल, क्वालकॉम और एनवीडिया, इन्होंने वर्ल्ड सेमीकंडक्टर काउंसिल के माध्यम से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा था कि भारत जो क्रॉस बॉर्डर डिजिटल ट्रेड और डिजिटल डाटा ट्रांसफर पर टैक्स लगाने वाला है, उसे ना लगाएं। और WTO की 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में जो क्रॉस बॉर्डर डिजिटल टैक्स को वर्ल्ड वाइड मंजूरी दिलाने की बात कर रहा है, उस प्लान को भी ड्रॉप कर लें, क्योंकि पूरे विश्व का 20% से भी अधिक सेमीकंडक्टर डिजाइन वर्कफोर्स भारत में ही स्थित है, जो हर साल करीब हमें $35 बिलियन का फायदा देता है, और उसके ऊपर टैक्सेस लगने से हम लोग अपना नुकसान नहीं कराना चाहते। दोस्तों, साथ ही साथ भारत को इनडायरेक्टली वार्निंग भी दी गई थी कि अगर भारत ने इस डिजिटल टैक्स को लाया तो इससे ग्लोबल चिप सप्लाईज को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ ही साथ भारत के सेमीकंडक्टर हब बनने के एम्बिशन को भी झटका लगेगा। इसीलिए हम इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंडीशन को हाईलाइट करें, ना कि इस तरीके की बाधाओं को प्रमोट करें। लेकिन दोस्तों, भारत ने अपना स्टांस एकदम क्लियर कर दिया था कि पिछले 26 सालों से हम लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। सिंस 1998 हम लोग मांग कर रहे हैं कि डिजिटल टैक्स को लाया जाना चाहिए, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। डिजिटल टैक्स तो किसी भी हाल में लगेगा ही लगेगा। देखिए, 1991 में WTO की सेकेंड मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जिसमें एक मोरिटोरियम को लाया गया था, जिसके अंतर्गत ये रोक लगाई गई थी कि जो भी डिजिटल गुड्स हैं, डिजिटल वीडियोज, डिजिटल बुक्स या कोई भी प्रकार का डिजिटल प्रोडक्ट है, अब से उसके ऊपर कोई भी कंट्री टैक्स या ड्यूटी नहीं लगा पाएगी। यानी जो भी डिजिटल गुड्स हैं, उनको अब से फिजिकल गुड्स ना मानते हुए उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई टैरिफ नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों, तब से लेकर अब तक 2024 के पहले जितने भी WTO के मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसमें सक्सेसफुली इस मॉनिटोरियम को हर बार एक्सटेंड किया जा रहा था। यानी जो टैक्स ना लगाने की रोक लगाई गई थी, उसे लगातार रिन्यू किया जा रहा था। लेकिन इस बार जो WTO की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 26 फरवरी से 2 मार्च तक ऑर्गेनाइज हुई थी, उसमें इंडिया ने अपना कड़ा स्टांस दिखाते हुए 1998 के इस मॉरिटोरियम का विरोध किया था और डिमांड की थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके ऊपर डिजिटल टैक्सेशन लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम इन कंट्रीज पर टैक्स नहीं लगाते हैं तो हमें अप्रॉक्स $35 बिलियन का लॉस हो रहा है। और इसीलिए इंडिया ने डिमांड करी थी कि जो ये 1998 का मॉरिटोरियम है, उसे और ज़्यादा टाइम के लिए प्रोलॉन्ग ना किया जाए। इस पूरे मामले में इंडिया का समर्थन बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज भी कर रही थी जो मॉरिटोरियम के फेवर में नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर USA और अदर यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट ये चाहते थीं कि इस मॉरिटोरियम को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाए। इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और ये सारी कंट्रीज USA का ही समर्थन कर रही थी। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में भारत और अन्य डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट जाकर इस 1998 के मॉरिटोरियम को अगले 2 सालों तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। यानी इस मॉरिटोरियम को 2026 तक के लिए फिर से लागू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अभी इस मॉरिटोरियम को एक्सटेंड किए एक महीना भी नहीं हुआ था कि WTO की तरफ से खबर आ रही है कि इसको 2026 के बाद फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। यानी भारत अब 2026 के बाद अमेरिका और यूरोप से आने वाली डिजिटल गुड्स पर टैक्स और ड्यूटीज को लगा पाएगा। दोस्तों, WTO का ये कदम जहां USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसी कंट्रीज के लिए किसी झटके से कम नहीं है, वहीं WTO के इस फैसले को भारत की एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड सेमीकंडक्टर काउंसिल के लेटर के बाद भी भारत पीछे नहीं हटा और WTO में लगातार इस मॉरिटोरियम का विरोध करता रहा। अंततः WTO को भारत की बात मानकर उसके आगे झुकना पड़ा और 2026 के बाद इस मॉरिटोरियम को समाप्त करने का फैसला लिया गया, क्योंकि दोस्तों भारत का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि बड़ी मुश्किल से उसने इस मॉरिटोरियम को अगले 2 साल तक एक्सटेंड करने की मंजूरी दी थी। लेकिन भारत और ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, इसीलिए एक महीने के अंदर ही WTO को ये अनाउंसमेंट करनी पड़ गई। दोस्तों, WTO की चीफ मिस नगोजी ओकोंजो लवाइला, इन्होंने कहा कि 30 सालों तक कोई इंतजार करने वाला नहीं है, इसके पहले ही बहुत सारी कंट्रीज इस चीज को नकार देंगी, इसीलिए इस मॉरिटोरियम को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इंडोनेशिया ऑलरेडी एक नया सिस्टम डिजाइन कर चुका है जिसके चलते
वो डिजिटल गुड्स पर ड्यूटी और टैरिफ इम्पोज करने वाला है। इंडिया कई सालों से इस मॉरेटोरियम को खत्म करने की मांग करता आ रहा है, और इवन 2024 का जो WTO का कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर भी इंडिया ने बड़ी मुश्किल से 2 साल के लिए इस मॉरेटोरियम को एक्सटेंड करने में अपनी सहमति दी थी। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान भी ये मानते हैं कि उनको भी टैक्स रेवेन्यू में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि मोस्टली डिजिटल प्रोडक्ट रिचर कंट्रीज से ही इम्पोर्ट किए जाते हैं। इसीलिए WTO चीफ को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी के साथ साथ और भी कंट्रीज भारत का साथ दे रही हैं, और कोई भी कंट्री अब इस लॉस को सहने वाली नहीं है। इसीलिए इस डिजिटल टैक्सेशन को देर तक नहीं रोका जा सकता। अगर इसे 2026 के बाद फर्दर एक्सटेंड करना है तो सबकी सहमति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि 2026 के बाद ऐसी स्थिति होगी कि जो कंट्री इस डिजिटल टैक्स को लगाना चाहे लगा सकती है, और अगर ना लगाना चाहे तो ना भी लगाए। यानी ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे कि डिजिटल टैक्सेशन पूरी तरीके से कंट्रीज के डिस्क्रिप्शन पर होगा, वो चाहे तो लगाए और चाहे तो ना लगाए। दोस्तों, इसके अलावा इंडिया ने वर्ल्ड सेमीकंडक्टर काउंसिल को एक बात ये क्लियर कर दी कि हर हाल में वो डिजिटल टैक्सेशन लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि इस टैक्स को ना लगाने से हमें $35 बिलियन का नुकसान हो रहा है, जो इंडियन वर्कफोर्स इस फील्ड में 20% से भी ज़्यादा है और ग्लोबली $35 बिलियन के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करती है, उस पर ये टैक्स लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इसीलिए इंडिया WTO के इस डिसीजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि अगर इंडिया टैक्सेशन करेगा तो डायरेक्टली इसके ऊपर वो 500 मिलियन से भी ज़्यादा का टैक्स कलेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ अनडेवलपिंग कंट्रीज को मिलाकर $10 बिलियन से भी ज़्यादा का टैक्स कलेक्शन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, WTO में भारत के इस स्टांस और WTO में मिली भारत की इस बड़ी जीत पर आपकी क्या राय है, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।